आ रही है तेलुगु पैंथर्स के प्रेसिडेंट की परफॉर्मेंस की, यानी मेरे राहुल जीजू की मॉम। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उनका। निखिल, पल्लवी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आई नहीं, नहीं कुछ नहीं, जा तू तैयारी कर जा। शारदा? हाँ? क्या हुआ, क्यों परेशान घूम रही हो? नहीं कुछ नहीं, पल्लवी कुछ देर से दिख नहीं रहे है ना, आपने देखा है क्या? जब से उस राघवरा का काला साया उसके आसपास मंडराने लगा है, पल्लवी थोड़ी ना हमसे पूछ के कुछ करती है, बस अपनी मर्जी चलाती रहती है। होगी यही कहीं। आहो, गाड़ी को क्या हो गया अचानक? क्या अचानक बंद कैसे हो गई? ओ नो पल्लवी, कल जल्दी जल्दी मैं तू पेट्रोल डालना ही भूल गई, अब क्या करूं? कृष्णा को फोन करती हूँ। नो नो, वीर झाली इसका, तू फोन कैसे भूल के आ सकती है? अब क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, लगता है पैदल ही जाना होगा। पेपर स्प्रे लेकर जाती हूँ, सुनसान रास्ता है, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। कृष्णा, पल्लवी को कहीं देखा है क्या? हाँ, नहीं नहीं। कृष्णा, पल्लवी कहाँ है? मैं भी ना भूल गई, वो तो संगीत की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, सब लोग तो स्टेज के पास है, किसके साथ प्रैक्टिस कर रही है? मैं देख के आती हूँ। कृष्णा सच बता, वरना मेरे जितना बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, कृष्णा, दीदी काम से बाहर गई है, दुकान का काम था और अर्जेंट भी था, सॉरी। अकेली और वो भी इतनी रात को? एक्सक्यूज मी, वो मेरा स्कूटर खराब हो गया और मैं अपना फोन भी घर भुलाई हूँ, एक अर्जेंट कॉल करना था, क्या आपको फोन मिल सकता है? जोर से चीखता है तुम, भैरव होने का शौक नहीं है मेरे को सारी का दुकान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब अब तो क्लियर हो गया कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, कभी मेरी दुकान, कभी कंपटीशन, और अब यहाँ भी आ गए। एक्सक्यूज मी, तुम अपने घर के फंक्शन से भाग आए, मैं नहीं, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और वैसे भी तुम्हारा प्रोग्राम इतना बोरिंग है कि मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन लगता है तुम भी वहाँ बोर हो गया। मैं अपनी दुकान के अर्जेंट काम से बाहर आई हूँ। अच्छा, तो अब डॉटर ऑफ द ईयर सीधा बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर बनने का प्लानिंग में है क्या? हाँ, अब क्या करें, कुछ लोग अपनी बदतमीजी और घटिया हरकतों से बाजी नहीं आते ना, तो ऑलराउंडर तो बनना ही पड़ता है। ऑलराउंडर बनने के चक्कर में तुम अपना कॉमन सेंस घर में भूल के आ गया, इसलिए खाली गाड़ी से बात कर रहा है। अब इतना सुनसान रास्ता है, इतने अंधेरे में कोई गाड़ी लगा कर ऐसे टाइम पास करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर कोई बैठा है या नहीं? मैं जानता है तुम्हारे लिए कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ओ बिना सांभर की इडली, तुम तो कॉमन सेंस की बात ना ही करो तो बेहतर है। हो गया तुम्हारा बकवास, अब बोलो क्या चाहिए। कुछ नहीं। ओ सारिका दुकान, एटीट्यूड टाइम और जगह देख के दिखाना चाहिए, वरना इसका कोई वैल्यू नहीं है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा बेकार सा एटीट्यूड में वो बोरिंग सा संगीत फंक्शन खत्म हो जाए। अपना फोन दो।
तुम्हारा फोन डेड है। फोन पूछा दिया, चार्ज फोन नहीं। बेड़ा मानुस, परेशान लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है ना तुम्हें? मैं यहाँ जेन्युइनली अपने काम से बाहर निकली हूँ और तुम खड़े रहकर यहाँ मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम का मजाक बना रहे हो। तुम्हारा लेक्चर मेरे को नहीं होना, मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है जो मेरे को बार बार सुनाते रहेगा। हेल्प पूछाना इज्जत से पूछने का, वरना ऑर्डर राघव राव किसका लेता नहीं है। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू। मैडम क्या बात है, सब ठीक तो है? लो मिल गई हेल्प, खड़े रहो यहीं अकेले। और हाँ, उस बोरिंग संगीत में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं मिस करने वाला है तुम्हें वहाँ। टेक केयर। आई कैन, आई शैल एंड आई विल। एक्चुअली मेरा स्कूटर खराब हो गया है, मुझे हाईटेक सिटी तक जाना था, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स, प्लीज आइए। I can, I shall, and I will. उसने कहा और तुमने जाने दिया, और वो भी इतनी रात को? दादा, जब दुकान की बात आती है, दीदी किसी की नहीं सुनती। अरे ये क्या बात हुई? अरे दुकान का काम था तो घर का कोई दूसरा आदमी जा सकता था, निखिल को भेज देते। वो बेचारी दुकान क्या संभाल रही है, सबने उसे फोक गारंटेड ले रखा है। वो आधी आधी रात को काम पे जाती है और कोई उसे रोकता तक नहीं। नहीं सिद्धेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें पहले पता होता तो हम उसे रोक लेते। मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, मैं खुद भी इससे परेशान हो गया। मुझे बस काकू, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मुझे दिख रही है आप सबकी लापरवाही। आखिर वो देशमुख परिवार की विधवा बहू ही तो है, बेटी नहीं। अरे अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी बहन मुझसे दूर होगी, आपके लिए तो वो एक प्री की नौकर है जो आपकी सेवा करती है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? बस इसके आगे एक शब्द नहीं, मैं अभी जाके। आगे से लेफ्ट ले लीजिए। अब आपने लेफ्ट मिस कर दिया, एक काम कीजिए आगे से यू टर्न ले लीजिए। गाड़ी रोकिए, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। देखो अगर तुम गाड़ी नहीं रोकोगे ना तो मैं कूद जाऊंगी, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। आराम से बैठिए मैडम, जल्दी क्या है, थोड़ा बहुत हमारे साथ भी कर लीजिएगा फिर चले जाना। अरे निखिल कैसा है भाई? अभिषेक तू अकेला है? हाँ फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई इसलिए कोई नहीं आ पाया। चल चल तू बैठ, मैं भी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, इतनी जल्दी क्या है तुझे? अरे मैं पल्लवी दीदी को ढूंढने जा रहा हूँ, वो इतनी देर रात को किसी काम से बाहर गई, अपना फोन भी घर छोड़ गई है। काम से? यहाँ आते वक्त तुम्हें मैंने राघव राव के साथ देखा। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास क्यों करूंगा भाई, पल्लवी दीदी को मैंने राघव राव के साथ देखा भी। तूने पक्का पल्लवी दी को देखा था? सच कह रहा हूँ भाई। तूने कहाँ देखा था पल्लवी दी को? अरे हाईटेक सिटी से पहले वो शॉर्टकट वाला सुनसान रास्ता है ना, वहाँ देखा मैंने दोनों को, कुछ तो बातें कर रहे थे, अंधेरा था इसलिए दी मुझे देख नहीं पाई।
तुझे पक्का यकीन है तूने पल्लवी दी को ही देखा था? हाँ भाई, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से पल्लवी दीदी को राघव राव के साथ देखा था। दीदी पिंक ड्रेस पहनी है ना? तू मेरे साथ चल, हम दी को लेकर आते हैं। रुको, कोई पल्लवी को लाने नहीं जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब तुम्हारी बहन को हमारी जरूरत नहीं है सिद्धेश, वो उसी आदमी के पास है जिसके पास वो अपनी मर्जी से रहना चाहती है। देख लिया शारदा, उस राघव राव ने हमारी खुशियों को ग्रहण लगा ही दिया। मैंने कहा था तुमसे, बात को इतना आगे मत बढ़ने दो कि अब से संभली ना जाए। देखिए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसे जरूर कोई जरूरी काम होगा। आप बकवास मत करो शारदा, इतनी रात गए सुनसान सड़क पर कौन सा काम होता है राघव राव के साथ? उस दिन वो टीना आकर बात कर रही थी पल्लवी और राघव के रिश्ते के बारे में, आज ये अभिषेक बात कर रहा है, कल जाके सारा शहर बात करेगा। लेकिन देखिए आप, बस अब अगर कोई पल्लवी को लाने गया तो वो मेरा मारा मुंह दिखेगा। दादा में बैठे थी अपनी मर्जी से, अब उतरोगी सिर्फ मेरी मर्जी से। ये क्या तरीका है अंकल? मेरी बहन आधी रात को आपकी दुकान के काम से बाहर गई है और आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? देखा पावनी, मैंने कहा था ना पल्लवी को अपने साथ ले चलते हैं। अरे उसका भाई अभी जिंदा है, इन लोगों ने मेरी बहन की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है। ये क्या बकवास कर रहे हो सिद्धेश? अरे तुम इन्हें क्यों डांट रहे हो? इनकी क्या गलती है? गलती तो पल्लवी की, उसे हमें बता के जाना चाहिए था ना। वाह, अब आप भी उंगली उठाएंगी? अभी तक तो आप उसकी आई होने का दावा कर रही थी। मैं उसकी आई ही हूँ, और बच्चा जब गलती करता है तो उसे डांटने का अधिकार आई को होता ही है, और उस अधिकार से मैं उसे डांटूंगी भी और उसके कान भी पकड़ूंगी। डांटने का अधिकार अब हमारे पास बचा कहाँ है शारदा? नहीं तो वो हमारी बात सुन लेती, लेकिन उससे तो अब अपने मन की करनी है। दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है क्या बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा कुछ मत कहो, हजार बार मना करने के बावजूद आज वो फिर राघव के साथ चली गई। प्लीज गाड़ी रोको, हेल्प समबडी, हेल्प प्लीज गाड़ी रोको। अम्मा एक मिनट आओ। अरे क्या हुआ? क्या मानसी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? पल्लवी राघव राव के साथ भाग गई है। पल्लवी राघव राव के साथ भाग गई? हाँ, पूरे हॉल में यही बातचीत हो रही, देखो। तो कौन फैला कौन रहा है बकवास? तुम्हारी मॉम। मेरी आई ना कभी नहीं सुधरेगी। सबसे पहले ये रूमर्स को हमें शांत कराना होगा। अगर ये बात मेरी मॉम तक पहुंच गई ना तो फिर से बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। मानसी दी, निखिल पल्लवी कहाँ है? वो तो दुकान के काम से बाहर गई है। वो पल्लू के साथ ये राघव राव वाला एंगल क्या है? ओ गॉड दी, आप तो जानती है ना सब बातें कौन फैला रहा है। निखिल ये फंक्शंस ना गॉसिप का पावर हाउस होता है, अगर हमने अभी नहीं रोका ना तो कल ये हैदराबाद की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो एक काम कर, जाके परफॉर्मेंस स्टार्ट कर, ठीक है? लोगों का ध्यान भटका, जा निखिल जल्दी जा। पल्लवी तो कहाँ चली गई? जी आपको कुछ चाहिए? जी हाँ, मेरे को विजय जी से कुछ बात करना है। आहो आपसे मिलने जया जी और कीर्ति आई है। मैं जया है, राघव का अम्मा। दादा, दादा तू शांत हो, दादा आई मैं। दादा माफ कीजिएगा जया जी, लेकिन आपका बेटा बहुत ही बदतमीज घमंडी और घटिया इंसान है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ।
और ये बात मैं उसके मुंह पे बोल चुका हूं। दादा कोई बीच में नहीं बोलेगा, और आज वो आपका नालायक बेटा मेरी बेटी को कहीं लेकर गया है। आप प्लीज उसे फोन कीजिए और बताइए मेरी बेटी को लौटा दे, वरना पापा की कसम जया जी आज मैं आपके बेटे की जान ले लूंगा। इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ये काम मैं खुद कर देगा। मैं आपको प्रॉमिस करता है, अगर राघव ने पल्लवी को जरा सा भी चोट पहुंचाया तो मैं खुद अपने हाथों से अपने बेटे का जान ले लेगा। गाड़ी क्यों रोक दी? आगे देख। गन पकड़। ओ हीरो गाड़ी हटा। समझ नहीं आया क्या? गाड़ी हटा। बहरा है क्या? अरे सोना है तो घर पे जाके सो, बीच रास्ते पे काय को लेटा है? हीरो कभी विलन का नहीं सुनता, वही करेगा जो उसका मर्जी है। ओहो हीरो आया है हीरोइन को बचाने के लिए। हीरो तो मैं हुई, पर वो सारी का दुकान मेरा हीरोइन नहीं है, और तू विलन है। और तेरे हाल में वही करूंगा जो हर मूवी में हीरो विलन का करता है। अर्धमें दा दा का दुकान, मेरे को ड्राइवर सोच रहा है क्या जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं? चलो बाहर आओ। चाइल्ड लॉक लगा है, बाहर से खोलना पड़ेगा। अच्छा नहीं नहीं यो गाड़ी में बंद रहना मेरा फेवरेट हॉबी है। बहुत अजीबोगरीब हॉबी है तुम्हारा, लेकिन अच्छा है दुनिया में शांति तो रहेगा, अंदर ही रहो। रुको कहां जा रहे हो? तुम बहुत स्टाइल से बोला था ना कि तुम्हारा लाइफ बहुत नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल फिल्मी लाइफ नहीं है, बट यू नो व्हाट, तुम्हारे लाइफ में हर आधे घंटे में एक्शन फिल्म होता है, और किडनैपिंग में मास्टर डिग्री लेकर रखा है तुम। बाहर आना है एक शर्त पे, नो लेक्चर नो बकवास नो बहस, जो मैं बोलेगा वो करेगा तुम, समझा? ऐसी वो एक कहानी जिसमें राजा और रानी आखिर मिल जाए और हो जाए एक दूजे के संग। Now follow me. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।